यस, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट्स, मतलब यहाँ पे इक्वेशन वही होगी दिखाई देगी आपको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन वही है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, बट यहाँ जो ए बी सी हैं ना वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को नहीं सी को, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। तो ये आयोटा में भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको काम, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स इसके कॉफिशेंट्स आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट्स। जैसे सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव आयोटा एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो किस तरह से करते हैं, यहाँ देखो ये कॉफिशेंट आयोटा में आ गया है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट बोलते हैं इसको। अब ये कैसे करना है, तो वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स फाइव आयोटा एक्स माइनस सिक्स जीरो, तो मेथड वही है आपको, आपके पास एक्स का कॉफिशेंट क्या है ये, इसको आपने स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है दोबारा से, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव आयोटा एक्स प्लस। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इधर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये जो माइनस है इसको आप प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का प्लस कर दिया और यहाँ लिख दिया सिक्स आयोटा स्क्वेयर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके, फैक्टराइज करने के लिए यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्स आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा यहाँ पे, माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, आयोटा स्क्वेयर में। अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा रहा है, एक आएगा माइनस थ्री आयोटा एक्स, एक आएगा माइनस टू आयोटा एक्स, ये सेम रहेगा, क्यों, माइनस टू आयोटा, माइनस थ्री आयोटा और माइनस टू आयोटा का अगर हम सम करते हैं तो वो माइनस फाइव आयोटा एक्स आता है, और माइनस टू आयोटा और माइनस थ्री आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस सिक्स आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सिक्स आयोटा स्क्वेयर आता है, देखिए तो बिल्कुल सही, इसके हमने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब एक पेयर ये ले लेंगे, दूसरा पेयर ये ले लेंगे, इसमें से कॉमन आएगा एक्स, तो क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री आयोटा, इसमें से कॉमन आएगा माइनस टू आयोटा, और यहाँ कॉफिशेंट एक्स है और माइनस क्या आएगा, थ्री आयोटा, क्यों, इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो ये वापस सिक्स आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री आयोटा, और ये आ गया एक्स माइनस टू आयोटा, विच इज़ इक्वल टू जीरो, आइदर फर्स्ट इज़ जीरो और सेकेंड इज़ जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू थ्री आयोटा आएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आयोटा आएगी, एंड विच आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो देखिए इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं थ्री आयोटा और टू आयोटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वेयर प्लस फोर आयोटा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो बाई फैक्टराइजेशन मैथड। स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर आयोटा एक्स माइनस फोर जीरो, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जब भी आयोटा का क्वेश्चन आता है ये वाला साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो ये आएगा प्लस फोर आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस वन होती है, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये होल स्क्वेयर बन गया, ये प्लस बी होल स्क्वेयर, कैसे, एक्स प्लस टू आयोटा का होल स्क्वेयर। तो आपको पता है यहाँ से दो फैक्टर जीरो होंगे, एक्स प्लस टू आयोटा जीरो, दो बार है फैक्टर ये, तो एक्स प्लस टू आयोटा जीरो, तो एक्स की कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, टू, एक प्लस टू, एक आएगा माइनस टू और दूसरा भी आएगा माइनस टू, तो बोथ वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी, इक्वल रूट्स होंगे, विच आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड रूट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आयोटा वाला कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स कॉफिशेंट है तो। यस, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री रूट टू प्लस टू आयोटा ब्रैकेट एक्स प्लस सिक्स रूट टू आयोटा इक्वल टू जीरो। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो ब्रैकेट में होता है इसी को बस ब्रेक कर देंगे आप, कैसे, इसको सेपरेट कर देंगे, एक बार एक्स के साथ एक बार एक्स के साथ। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं इन नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये वही चीज़ आएगी, देखो सिक्स, ये सिक्स रूट टू आयोटा, ठीक है, ये सेम मिल गया आपको, यहाँ चेंज नहीं करना है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये सेम नंबर मिल रहा है आपको, प्लस का सिक्स रूट टू आयोटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री रूट टू एक्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आयोटा एक्स, ये सेम रहेगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा, इसमें से एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस थ्री रूट टू, इसमें से माइनस टू आयोटा कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा एक्स माइनस थ्री रूट टू, और पूरे में से क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस थ्री रूट टू, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस टू आयोटा, आइधर फर्स्ट फैक्टर इज जीरो और सेकेंड फैक्टर इज जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई टू आयोटा और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई थ्री आयोटा, विच आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है,
ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा, तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 1.5 पेज से लेके 2 पेजेस तक जाएगा ये वाला। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व 2x² - 3 + 7i(x - 3 - 9i), ये ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हम लिख लेंगे 2x² - 3 + 7i(x - 3 - 9i) = 0। अब मेथड वही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, वी हैव ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 + 7i(ब्रैकेट) है, और सी किसके इक्वल है -(-3 - 9i)। अब मेथड वही है, डी निकालेंगे b² - 4ac। तो यहाँ से हम डी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी की वैल्यू ये इसका स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 + 7i² हो जाएगा। -4 4ac, ए की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा, 9 + 49i² + 42i, और यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा -(-+24), और यहाँ से कितना आएगा -72i। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ लिख सकते हैं आप आयोटा² -1, तो ये 9 - 49 हो गया +42i + 24, और ये -72 हो गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड कर देंगे, ये तीनों टर्म ऐड हो जाएंगी तो -16 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे इसमें से माइनस, तो ये -30i हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं डी क्या आ गया, -16 - 30i, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अभी तक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी -16 - 7, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे डी की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। आगे देखते हैं, नाउ मेथड इज सेम, नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर गिवन बाय, पता है आपको ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x किसके इक्वल है -b + -√d/2a। माइनस बी को सॉल्व करेंगे तो 3 + 7i आ जाएगा, प्लस माइनस डी की वैल्यू -16 - 30i, और नीचे 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। अब यहाँ मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ तो स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इसका स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए अब एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में लिया था x + i/y, यहाँ x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ x पहले से डिफाइंड है, यहाँ a + i/b नहीं ले सकते स्मॉल a और स्मॉल b क्योंकि a भी हमने पहले यूज़ किया है कंपेयरिंग के टाइम, तो यहाँ हम लेंगे कैपिटल A और कैपिटल B। तो लेट कैपिटल a + i/B √-16 - 30i। कैसे करते थे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a² + i² b² और +2ab(-16 - 30i) आएगा, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। इसके बाद आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है तो a² - b² हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स 2ab हो गया, इसको लिखना होगा -16 + iota (-30). ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया -16 के a² - b² - 16 के इक्वल, और 2ab आ गया -30 के इक्वल। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब आपको मैंने एक बताई थी आइडेंटिटी जो याद रखनी होती है, जैसे यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का लेके चलना है, तो a² + b² = √a² - b²² होल स्क्वेयर + 2ab होल स्क्वेयर, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 256 और ये 900 हो गया, कुल मिला के 1156 का स्क्वेयर रूट हो गया, और आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 34, तो a² + b² की वैल्यू क्या आ गई 34। नाउ इस इक्वेशन को हम 5 मार्क कर देंगे। अब एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे और एक बार इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। यस, 5 इक्वेशन + 3 इक्वेशन इम्प्लाइज, तो ये 2a² आएगा = 18, तो a² की वैल्यू क्या आ गई 9 और a की वैल्यू क्या आ गई +-3। इसी तरह से 5 - 3 इक्वेशन हमें देगा 2b² = 50, b² आ गया 25, तो b की वैल्यू आ जाएगी +-5। नाउ आपके पास 4 choices हैं, ±±±+। अब हमें देखना होगा कौन से 2 pairs को हमें लेना होगा, तो देखते हैं। सिंस बाई इक्वेशन 4 2ab इज नेगेटिव, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वही लैंग्वेज है, दैट इम्प्लाइज अगर टू नंबर्स का प्रोडक्ट
जो होता है ए और बी का वो नेगेटिव है, तो साइन कैसे होंगे ए बी के दोनों के? ऑपोजिट होंगे, ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो देयर फोर ए अगर 3 होगा तो बी क्या होना चाहिए? -5। और अगर ए -3 होगा तो बी क्या होना चाहिए? 5। तो देयर फोर यहाँ से हमें स्क्वेयर रूट मिल गया -16 -30। ठीक है, तो -16 -30 आयोटा का स्क्वेयर रूट क्या मिला? जो था ए प्लस आयोटा बी, इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस, बताया मैंने कैसे लिखते हैं, सीधा सीधा प्लस माइनस ब्रैकेट, सबसे पहले एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ देखिए आयोटा का साइन कैसा नज़र आ रहा है? नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और फिर उसके बाद आएगा बी की वैल्यू आएगी 5, और उसके बाद आयोटा आएगा। तो पहले ए की पॉजिटिव वैल्यू फिर बी की पॉजिटिव वैल्यू, आयोटा का साइन नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा, आयोटा तो आता ही आता है बी के साथ। तो देखेंगे आप, इसका स्क्वेयर रूट हमने फाइंड कर लिया, तो इस इट हैज़ टू वैल्यूज़, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आपको करना है क्या है, जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो दोनों को पुट नहीं करना, सिर्फ एक को पुट करना है, इसमें से सिर्फ एक, या तो ये या ये। रीज़न क्या है? यहाँ पहले से प्लस माइनस बना हुआ है, अगर मैं ये पुट करूँगा तो भी आंसर वही आएगा, अगर मैं ये पुट करूँगा तो भी आंसर यही आएगा, बड़ा दोनों को पुट करने पे आंसर दोनों बार सेम आएंगे, तो इसलिए हम इनमें से कोई एक ही वैल्यू पुट करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पुट आइदर ऑफ दीज वैल्यूज इन इक्वेशन टू वी गेट, तो इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करनी है, तो मैं कौन सी पुट कर रहा हूँ? ये वाली 3 -5 आयोटा। एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, 3 + 3 = 6, 7 - 5 आयोटा 2 आयोटा बाई 4, और यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 आयोटा - 7 आयोटा + 5 आयोटा दैट इज 12 आयोटा बाई 4, इसको सेपरेट करेंगे तो 3/2 + 1/2 आयोटा और यहाँ से 3 आयोटा, तो x की टू वैल्यूज़ आ गई। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, तो आपने देखा विच आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि टेंथ में जो पार्ट हम छोड़ देते थे कि कहते थे इमेजिनरी रूट्स हैं आगे हम नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, देखो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ 11th में कर रहे हैं। तो 11th में मैक्सिमम चांसेस होते हैं आयोटा वाला क्वेश्चन आने के, जिसका आंसर आयोटा में या कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से करिए।